Hey everyone, this is Kashish Kapoor and you are watching me on Telegram. Yes. Hi guys, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है स्प्लिट्स विला सीजन 15 की कंटेस्टेंट दैट इज कशिश कपूर, जिसने लोगों का दिल भले ही नहीं जीता, टाइटल नहीं जीता, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो यहाँ मुंबई में आई है वो ज़रूर लेकर आई है, वो है कशिश कपूर। और वो हिस्ट्री तो बना ही चुकी है स्प्लिट्स विला की जर्नी में और MTV की जर्नी में। सो सबसे पहले तो वेलकम टू टेलीग्राम। थैंक यू। क्या लगता है आपको, इतनी सारी ट्रोलिंग्स हुई, साइबर में आपने कंप्लेन भी की, बहुत सारी चीज़ हुई। कुछ कंटेस्टेंट का कहना है आपने मिडिल क्लास का नाम नहीं लेना चाहिए था, रेंट वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी, क्लियरली आप बोल देते हैं हाँ मैं पैसे के लिए ही कर रही थी। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? पहले तो मैं एक करेक्शन करना चाहूँगी। आपने कहा कि लोगों का दिल भले ना जीता, हर किसी का भले ना जीता, बहुतों का दिल जीता। लेट्स गेट दैट करेक्ट। यस करेक्ट। उसके बाद हाँ, अब आपका सवाल क्या था कि कुछ लोग कह रहे थे कि मुझे ये रीज़न नहीं देना चाहिए था, पर मुझसे वहाँ रीज़न पूछा गया था, मैंने मनी तो लिख दिया था। उसके बाद मुझसे रीज़न पूछा गया था, अपने मन से मैंने बोलना नहीं शुरू कर दिया था। तो अगर मुझसे होस्ट कुछ पूछेगा तो जवाब तो मैं दूंगी ना, अब झूठ तो मैं नहीं कहूँगी वहाँ पर। तो हाँ, मैं हूँ मिडिल क्लास से, तो मैंने बोला उसमें गलत क्या है। अब उनको लग रहा है कि नहीं ये बात सच नहीं है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, जाकर के आप मेरे व्लॉग्स देख लो, आप मेरी हिस्ट्री चेक कर लो, यू विल गेट टू नो। तो मैंने झूठ तो कुछ कहा ही नहीं था। वेल हमारी जब शुभी से बात हो रही थी तो शुभी ने कहा था बहुत सारा ट्रोलिंग्स की वजह से थोड़ा सा आप वो हो गई थी कि आपका ये इंटेंशन नहीं था बोलने का, कोई और इंटेंशन था। राइट। ये सब ट्रोलिंग्स वगैरह आपने किस तरह से मैनेज किया अकेले रहकर? बहुत सारे लोग ये सोशल मीडिया के ट्रोलिंग्स बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपने कैसे बर्दाश्त किया? तो भी थ्रेट्स भी आ रहे थे आपको बहुत ज्यादा? yes, बहुत ही ज्यादा। सो मैं प्रिपेयर तो थी कहीं ना कहीं कि हेट तो आने वाला है, बहुत आने वाला है, बट जिस ओवरवेलमिंग क्वांटिटी में आया ना एक ही बार में, वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बॉदर किया। एंड मेरे को हेट से नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, मेरे को फ़र्क पड़ रहा था कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनके मन में एक मुझे लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बिकॉज उनको पूरा शो नहीं दिखा एंड कुछ फ्रैगमेंट्स दिखे, तो मेरी एक गलत इमेज उनके मन में कहीं ना बैठ जाए। जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो मुझसे कहीं हर्ट ना हो, उस बात से मुझे ज़्यादा दुख पहुँच रहा था। फिर कॉमेंट्स आते गए, आई वाज स्टिल ओके। दुख हो रहा था कि यार ये लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मैंने अपने फैंस को कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं दिया, आई वॉज नॉट जस्ट विद माई एक्सप्लेनेशन। तो उस बात का दुख मुझे डेफिनेटली काफ़ी था, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा था। एंड अकेले रहने की ना अब आदत हो गई है, मैं 5 साल से मैं 17 साल की थी तब से अकेले रह रही हूँ, तो मैंने अपना सारा अच्छा बुरा सब कुछ अकेले ही देखा है। और ये मैं एक्चुअली कह सकती हूँ कि मैंने अपना सारा अच्छा बुरा अकेले ही देखा है। पिछले 5 सालों में मेरे साथ जो भी हुआ है किसी को भी नहीं पता, तो मैं चाहूँगी भी नहीं किसी को पता लगे। तो मुझे अकेले डील करने की आदत है। बस जब पानी सर से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, जब उन्होंने मेरे फादर को टेक्स्ट करना शुरू कर दिया, मेरे भाई को टेक्स्ट करना शुरू कर दिया, तब मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ा, क्योंकि मेरे पापा का ना एकदम ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, काफ़ी ज़्यादा। तो मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि 3 दिन से पापा सो नहीं पाए हैं, आज डॉक्टर के पास गए, इज टेकिंग पिल्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज ही इज़ अ पेशेंट लाइक दैट। आई वाज लाइक ओके, नाउ इट्स गोइंग टू मच। एंड उसके बाद मुझे पता लगता है कि पीपल इन देयर ग्रुप चैट्स आर डिस्कसिंग प्रॉपर प्रोपेगेंडा अगेंस्ट मी, कि कैसे इसकी ये बातें निकालते हैं, ये चीज़ें निकालते हैं, इसको यहाँ से वायरल, यू नो व्हाट हाउ इट गोज। तब मेरा दिमाग खनक गया था कि अब तुम मेरे सर पर चढ़ के नाच रहे हो, तुम ट्रोल करो, वो तुम्हारा हक है, बट यू विल नॉट गो टू माई पेरेंट्स एंड यू कैन नॉट गो देयर विद मी। तो तब मैं गई पुलिस के पास एंड उसके बाद इट स्टॉप्ड एंड ऑल दैट, बट या दैट्स हाउ इट वेंट। बट यू नो अगर फैमिली की बात करूँ, किस तरह से मम्मी डैडी का रिएक्शन था, आपने पैसे ज़रूर ले लिया, आपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि आपका एक अरमान था कि अपने डैडी को 7 लाख रुपए से इन हैंड दूँ मैं, क्या रिएक्शन था? पैसे ले लिया, उसके बाद इतनी गंदगी हुई, डैडी की तबीयत खराब हो रहा, क्या फैमिली का रिएक्शन था? तो फिनाले एयर होने से पहले तक सबको पता था, वी वर ऑल कूल विद इट। जब फिनाले एयर हुआ, जिस तरह से वो कटा, मैं पापा ने से सर पकड़ लिया, शिट अब इसको बहुत गाली पड़ने वाली है, तो वो भी प्रिपेयर्ड थे कहीं ना कहीं, बट उनको बस मेरी टेंशन हो रही थी बिकॉज ऑफ व्हाटएवर हैपेंड इन द कंट्री, द कोलकाता थिंग, एंड उनको लोग वही सारी चीज़ें टेक्स्ट करके थ्रेट्स दे रहे थे और मैं अकेले रहती हूँ। सो ही गॉट वेरी स्केयर्ड फॉर माई सेफ्टी कि हमें तो जो होगा होगा, तुम्हें क्या होगा, तुम कैसे करोगे, तुम अकेले रहती हो, आई यू सेफ बेटर। सो ही गॉट वेरी वेरी वर्ड फॉर दोज थिंग्स, बट मैंने उनको बोला कि थम जाओ,
बहुत होता है ये. एवरी मेजर सेलिब्रिटी हैज़ टू गो थ्रू इट एंड एवरीबडी हैज़ सीन इट. हम तो माइनर हैं बट हमें भी देखना पड़ेगा. तो आई आस्क्ड हिम टू जस्ट बी पेशेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज एंड एक बार ही द डस्ट सेटल्ड एंड देन वी स्पोक एंड या देन ही वाज बैक टू ट्रैक बैक ऑन बीइंग हैप्पी एंड ऑल दैट नॉर्मल. वेल इसी के साथ साथ यू नो साइबर क्राइम में जो आपने कंप्लेंट की थी, क्या आपको उससे कुछ नतीजा निकला? हाँ यस, मैंने जिस दिन कंप्लेंट का फोटो डाला उसी दिन वो सारी आईडीज़ ने मेरे को सॉरी 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 करना शुरू कर दिया था. एक लड़की थी उसने मुझे मैसेज किया कि आपने मेरे भाई को टैग कर दिया उसकी प्रोफाइल डाल करके, ऐसा मत करिए, वो बच्चा है, उससे गलती हो गई, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी. तो मैंने उससे बोला कि तुम्हारा बच्चा भाई जो मेरी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था उस समय आप नहीं आए बीच में. और 17 साल का लड़का बच्चा नहीं होता है. 17 साल के लड़के को बहुत अच्छे से पता होता है कि उसके किस काम का नतीजा क्या होगा. और आप जो मुझे थ्रेट्स दे रहे हो आपको भी पता है वो कितनी बड़ी बात है. तब तुम्हारा भाई नहीं समझा. तो बट शी स्टार्टेड अपोलोजाइजिंग. और फिर जब मैंने वो दो आईडी टैग की ना तभी वो आईडीज डीएक्टिवेट हो गई थी. मेरे को सॉरी आया और आईडी डीएक्टिवेट हो गया. पर मैंने फिर भी कंप्लेन करी थी. उन लोगों का नंबर निकाला अथॉरिटीज ने, फिर मेरे सामने उनको फ़ोन किया कि हाँ क्या दिक्कत है तुमको ऐसा ऐसा करके, राइट. सो एंड उनका उनमें से ना नंबर एक्चुअली अथॉरिटीज ने नहीं निकाला, मैंने ही निकाल लिया था. आई गॉट द नंबर समहाउ. इसका दोस्त उसका दोस्त तू जानता है समहाउ. एंड मेनी फॉलोअर्स हेल्प्ड मी, मेनी मेनी फॉलोअर्स. तो नंबर निकला, उनको कॉल गया एंड दे वर लाइक नहीं सर हमसे गलती हो गई, दोबारा कभी नहीं होगी, ये वो ये वो ये वो. बट मैंने फिर भी ऑफिशियल एक रजिस्ट्रेशन डाल दिया कि समथिंग हैपेंस दीस पीपल आर रिस्पांसिबल एंड दीस आर द थ्रेट्स आई हैव गॉट. करेक्ट, राइट, राइट. वेल यू नो कशिश, आपने एक लाइव किया था फिनाले के बाद. लाइव हुआ था आपका. लाइव में आपने कहा था कि लक्ष्य की जो 10 लाख रुपए वाली बात थी वो हमें जानना है कि यू नो लक्ष्य ने कब आपको कहा था ये बात कि यू नो अगर 10 लाख रुपए है या दिग्विजय ने कहा था, किसने, कोई कंटेस्टेंट ने मुझे किसी ने नहीं कहा था. क्योंकि वो तो जो बात है ना वो बात ऐसी फैल रही है कि लक्ष्य ने अगर ऑफर किया था, लक्ष्य को तुरंत ऑफर कर लेना चाहिए था ना, तो दिग्विजय टाइटल जीत जाता. नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है ना कि ये आड़ी तिरछी बातें मुझसे मुंह पे कोई नहीं कहता जी. ये सारे पीठ पीछे होती है, इंटरव्यूज में, पॉडकास्ट में होती है. तो मैं उनको वैल्यू नहीं दूंगी. बट आपने पूछा है तो नहीं, मुझे ऐसा कोई ऑफर नहीं आया था. और क्यों आएगा? आई मीन ये गेम शो का पार्ट है. मैं यहाँ पे किसी की चैरिटी लेने नहीं बैठी हूँ. मैं यहाँ लड़ मर के गेम शो कम्पीट करके अपने मेरिट पे अपना दिमाग चला के क्या बोलते हैं उसको, साम दाम दंड भेद सब अपना के मैं ये जीत रही हूँ. सो आई डोंट थिंक किसी का मुझे ऐसा चैरिटी ऑफर करना सही है. अगर इतना ही पैसे आप खुद पे यूज़ कर लो, अगली बार दो विन बस की एड कम करना. बट नहीं, दूसरे को मत करो ये ऑफर. वेल यू नो दिग्विजय को आपने स्टोरी पर सॉरी भी कहा था. यप. बट दिग्विजय का कहीं ना कहीं ये कहना है कि उनको गिल्टी नहीं दिखा. तो वो क्यों चाहते हैं कि मुझे गिल्ट दिखे? मुझे गिल्ट किस बात का होना चाहिए? अपने आप को चूज करने का. ये मेरी अच्छाई है कि मुझे गिल्ट है कि मेरे कारण तुम्हें दुख पहुंचा. वो मुझे था, वो अभी भी था कि मेरे कारण तुम्हें दुख पहुंचा, आई एम सॉरी फॉर दैट. बट तुम ये डिमांड करो मुझसे, ये सही नहीं है. आप लोगों का अभी फ्रेंडशिप है या नहीं है? वी आर नॉट फ्रेंड्स. नो. तो मतलब आगे बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते? आई डोंट केयर. ओह, बिग बॉस के लिए नाम आ रहा है दोनों का, दिग्विजय और कशिश दोनों जा रहे हैं बिग बॉस में. और अगर बिग बॉस में मुलाकात हो जाती फिर? आई वुडंट केयर. मतलब फिर टेंशन अच्छी होने वाली है और बिग बॉस सीजन 18 हिट होने वाला है. बिग बॉस में 20-30 लोग होते हैं. आई वुडंट केयर अबाउट एनीबॉडी, ही वुड जस्ट बी अमंगस्ट दोस 20-30 पीपल. लेकिन ये कंट्रोवर्सी उधर तक की जाती है, आपको पता है ना? देखेंगे यार, अभी तो फिलहाल हम जा रहे हैं कि नहीं हमें वो नहीं पता. आपने लाइव में आपके फैन को ये भी कहा था कि उन्होंने कहा था, आपसे पूछा था कि आप बिग बॉस जा रहे हो, आपने कहा था यस. सार्कैज़म का मतलब समझते हो आप? सार्कैज़म समझते हो? 19 बार मैं कह चुकी हूँ यार मेरी कोई बात नहीं हुई है, मेरी कोई बात नहीं हुई है. 20वें बार में अगर थक हार के बोल दूँ हाँ हाँ जा रही हूँ, तो अब अगर आप सार्कैज़म नहीं समझो तो फिर आप मेरी बातें कभी नहीं समझ पाओगे. देख लिया, अभी क्लियर है आप लोगों को, है ना? वेल कशिश, यू नो फर्स्ट डे यस स्प्लिट्सविला में आपका ब्रेकडाउन था क्योंकि आप जिसको चूज कर रही थी वो किसी और को चूज कर रहा था, राइट? क्यों, मतलब ऐसा क्या ऐसा दिमाग में चल रहा था? और फर्स्ट डे ही ब्रेकडाउन? नहीं, मेरी उन बातों पे ब्रेकडाउन नहीं हुई थी. मेरा ब्रेकडाउन हुआ था एक इररेलेवेंट कंटेस्टेंट ने एक बहुत ही वाहियात बात बोल दी थी मेरे बारे में कि मैं ऐसा कह रही हूँ और मैंने वैसा नहीं कहा था. और जो मेरी सो कॉल्ड फ्रेंड बन रही थी उस समय वो जाकर के मेरे बारे में बकवास कर रही थी कहीं. और मतलब मैं हाथ बढ़ा रही हूँ कि तुम खाना खाओ, तो मेरे हाथ को काट रहे हो. अच्छा. तो वो थी उस समय. तो जब
पहला ही दिन है मैं चैलेंज जीत के आई हूँ, मैं इतनी ओवरवेल्म्ड ऑलरेडी हूँ और सबके कनेक्शंस बन गए थे, पर मेरा कोई नहीं था क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं आया और कोई मुझे ठीक लगा तो उनकी ऑलरेडी पेयरिंग थी, जो भी रीज़न है. तो एक थोड़ा वल्नरेबल मैं ऑलरेडी थी एंड आई वॉज वेरी हाइटेंड, माई इमोशंस वर हाइटेंड. और उस समय मुझे पता लग रहा है कि ये, और इतनी बड़ी बात उसने बोल दी थी कि तुमने ऐसा ऐसा बोला है, और मैंने नहीं कहा था. फिर एक दूसरी लड़की जो मेरी दोस्त बन रही थी उसने बोला है, ये सब चीज़ें एक बार में आ रही थी और मेरे को गुस्सा आ गया. जब मुझे बहुत गुस्सा आता है ना, तब मेरे गंगा यमुना बहने लग जाते हैं. हाँ, नॉट बिकॉज आई वॉज हॉट और समथिंग, आई वॉज वेरी एंग्री. तो फिर वैसे मैं ना जब वहाँ से अपने रूम से निकली तो संस्कृत के श्लोक बड़बड़ाते हुए मैंने गंगा यमुना बह रहे थे. Well, you know, ये जानना चाहेंगे स्प्लिट्सविला आपने चूज क्या सोच कर किया था? कुछ सोच के नहीं किया था, मजा आएगा बस जा रही हूँ. क्योंकि वो एक्सपीरियंस रियल लाइफ में नहीं मिल सकता है. रियल लाइफ में तुम्हें कोई नहीं बोलेगा कि तुम दोनों पैर से बांध के डोनट्स खाओ, किसी को छेड़ो और हम तुमको उसके लिए सेफ करेंगे. We are young people, right? Yes. There are things that we can do. We are adults. और जो हम real life में नहीं कर सकते हैं. So Splitsvilla is like a guilty pleasure as well. कि तुम वो चीज़ें कर सकते हो जो शायद तुम imagine करो कि काश मैं कभी करूँ and all that. I did all that. And plus, I had to do so many challenges जो मैं real life में नहीं करूँगी. So much of politics and connections and friendships. So my intention, go on the show, have a lot of fun, make a name for yourself. And that's what I did. Okay. Well, you know, आप आइडल मैच किसी की नहीं बनी. एडी के साथ आप, लेट्स जस्ट से कोई मेरा आइडल मैच नहीं था. ओके. सो यू नो, एडी के साथ आपका कनेक्शन बना, आपको लग रहा था, क्योंकि कुछ कंटेस्टेंट का कहना है कि आपका और एडी का कनेक्शन बिल्कुल फेक था. अगर आइडल मैच आपके साथ किसी का बनता तो वो कौन होता शो से? फेक तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि जो था रियल था. इट्स नॉट लाइक हम दोनों का मन था कि हम एक दूसरे को पसंद करें, मजबूरी थी. बट फेक तो नहीं कहेंगे क्योंकि रियल मजबूरी थी. और मुझे आइडल मैच कौन लगा था मेरा बनेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब जैसा मैं शो देख रही हूँ, आई फील लाइक मुझे नहीं लगता मेरा कोई भी आइडल मैच बनता क्योंकि मेरी किसी से वैसे कनेक्ट नहीं थी एंड एवरीबडी हैड देयर ओन पार्टनर्स. सो नो, नोबडी वुड हैव बीन माय आइडल मैच. कशिश किस तरह के इंसान है और किस तरह का, यू नो, इन्हें लड़का चाहिए? आर यू ओल्ड स्कूल टाइप गर्ल? या व्हेन इट कम्स टू लव ना, बिग टाइम. मतलब मैं ना अभी भी चाहती हूँ कि अगर कोई मुझे अप्रोच करे तो ऐसे नॉर्मल, हे व्हाट्स अप, यू वांट टू हैंग, नहीं, बी रेडी, आई विल पिक यू अप एट 9. और ऐसा भी नहीं कि यहाँ आ जाना, नो, पिक मी अप ना, एटलीस्ट ऑफर. और मुझे अभी भी वो चाहिए कि इन्होंने रात के 3 बजे कोई मेरी बिल्डिंग के नीचे आके मुझे फ़ोन करे कि सुन, मैं तेरी बिल्डिंग के नीचे हूँ, एंड देन रैंडमली उसको ऑब्वियसली पता होगा कि मैं कहाँ रहती हूँ. इफ़ आई टेल हिम कि मैं जिम जा रही हूँ, मैं जिम में होंगी, तो यू नो आप एट 11:30, 12 भी लाइक, चल आई एम आउटसाइड योर जिम, कम लेट्स गो फॉर अ ड्राइव, रैंडम थिंग्स, उनको पैम्पर करता रहे, रैंडम गिफ्ट्स, रैंडम मैसेजेस, रैंडम कॉल्स, लड़ाई भी करे तो फिर उसके बाद यू नो, अगर मैं लड़ रही हूँ तो मुझे मना ले अच्छे से एंड ऑल दोस थिंग्स. वेरी ओल्ड स्कूल. एक्सपेक्टेशंस हाई है. मैं भी ये सब करती हूँ तो आई ओनली डिमांड व्हाट आई कैन रिसीव. मैं जो भी डिमांड कर रही हूँ ना, जो भी, मैं सब कुछ खुद करती हूँ और करना पसंद करती हूँ. मैं 100% मैं भाई बहुत अच्छी हूँ. मैं ना ये कहती हूँ, आई एम द बेस्ट गर्लफ्रेंड वन कैन हैव, क्योंकि मैं इतनी शिद्दत से इतनी डिवोटेड गर्लफ्रेंड हूँ ना कि माय लाइफ्स पर्पस विल बी टू मेक यू हैप्पी. बताओ बेबी क्या चाहिए तुम्हें? सो आई एम लाइक दैट. वेल, इसी के साथ साथ स्प्लिट्सविला पे आते हैं. आपको आपका आयुष्मान के साथ इनिशियल डेज की अगर मैं बात करूँ तो आपका आपके साथ और खनक के साथ कुछ हो रहा था. आयुष्मान को चाहिए था कि आपके साथ कनेक्शन बनाए. पर आयुष्मान, सॉरी आयुष्मान को नहीं जानते, बट ही इज लाइक किसी का घर चल रहा है, चलने दो. ऐसे बहुत सारे मैगट्स हैं जिनको मैं दिखती हूँ एज एन अपॉर्चुनिटी, तो वो फिर क्या बोलते हैं, जमीन से उभर आते हैं. तो नहीं, मेरे एक कशिश कपूर रोजगार योजना चला रहे हैं, चलाने दो, बट आई हैव नो कमेंट्स. ओके, आई एम सो सैसी ना डूड, कैसे निकल गया ना मुझे सारा कुछ. यही तो है ना, इसी वजह से तो कशिश बुरी लगती लोगों को.
सच सबसे बर्दाश्त नहीं होता, इट्स अ हार्ड पिल टू स्वॉलो. यस यस बिल्कुल. वेल उन्होंने एक और एक बात कही थी, मैं आपसे और वो भी बात शेयर करती हूँ. उन्होंने कहा था, वो इंटरव्यू में लाइव है, कि अरबाज को लेकर, अरबाज के रिलीजन को लेकर कशिश ने फेस बनाया था. बोलने दे ना बात भी भाई. वो बेवकूफ. डू यू थिंक व्हाट वाज द रियलिटी, ये जानना चाहेंगे. हमारी बात हुई थी तब मैं कह रही थी ना कि जो उसने बोला वो बात नहीं हुई थी, हमारी बात हुई थी. To have a discussion on something is one thing, to belittle is another thing. हमने discussion किया था, उसने जो बोला वो belittling थी. और अगर मान ले तू जो कह रहा है मैंने वो कहा था, तो उस समय बोलता ना, अब जब तेरे को मैंने select नहीं किया, मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो मेरे को अपने level पे लाने की कोशिश कर रहे हो. लेकिन अभी तो and plus आप उसका interview ले भी क्यों रहे हो? Who is he? What's the relevance? So let's not comment on that. Okay. कशिश, इसके बाद अब क्या होने वाला है? यू नो आफ्टर स्प्लिट्सविला क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज आप देख रही हो, रियलिटी शोज में जाने के लिए सोच रही हो, या फिक्शन शोज करना है, या म्यूजिक वीडियो? अच्छा नहीं, अगर म्यूजिक वीडियो के लिए मुझे जी या टी सीरीज से सारे काम अप्रोच कर रहे हैं तो मैं सोचूंगी. आई वुड लव सी, आई नो वेयर आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ इवेंचुअली, बट अभी तक मुझे करण जौहर ने कॉल नहीं किया है, ना संजय लीला भंसाली ने किया, ना ही एकता कपूर ने किया. यू नो सो आई एम जस्ट वेटिंग कि कब उन तक ऐसी खबर पहुंचे कि कशिश कपूर नाम की भी एक कोई लड़की आपके कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रही है, उनके कास्टिंग वाले भी कॉल कर ले तो चलेगा. तो आई एम जस्ट वेटिंग उसका. बट जोक्स अपार्ट, आई एम वर्किंग फॉर अ कपल ऑफ थिंग्स, बट दे हैव नॉट बीन फाइनलाइज्ड येट, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट. कशिश, अब यू नो इफ फिक्शन शो का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो पॉजिटिव करना चाहोगी या नेगेटिव करना चाहोगी? Depends किस टाइप का. लाइक समटाइम्स द नेगेटिव लीड्स हैव ऑल द फन, समटाइम्स द पॉजिटिव वंस हैव ऑल द फन. एक एग्जांपल मैंने आपको ऑफ कैमरा दिया था, मैं ऑन कैमरा वो दे नहीं सकती हूँ. और अगर जिस भी कैरेक्टर में ज़्यादा सब्सटेंस है, मान लीजिए अगर पॉजिटिव रोल है लेकिन मेरा रोल है कबीर सिंह की प्रीति बनना, तो मैं नहीं बनूंगी. प्रीति हैज़ नो सब्सटेंस ना, हर ओनली रोल इज मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड, मेन कैरेक्टर की अनप्रॉब्लमैटिक गर्लफ्रेंड. आई डोंट वांट टू बी दैट. आई वुड मच रादर बी द प्रॉब्लमैटिक विलेन. आई डोंट केयर, बट आई नीड टू हैव सम कैरेक्टर. तो अगर प्रीति और कमोलिका में से चुनना पड़े तो मैं कमोलिका चुनूंगी. समझ रहे हो? सो डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस, द कैरेक्टर, द पे. इम्पोर्टेंट ना, जिसके लिए अगर प्रीति के लिए ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो कौन कमोलिका? आई एम अ प्रीति. एवरीथिंग इज मनी, है ना? पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है. आप और मैं यहाँ क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं बस फिर. वेल यू नो कशिश, इसी के साथ साथ अगर मैं फ्रेंड्स की बात करूँ, कौन कौन फ्रेंड्स हैं आपके और किसके साथ हैंग आउट करती हो आप? क्योंकि शुभी की तरफ से जब हमारी बात हुई थी, शुभी इज लाइक कि मैं कभी कशिश के पास जाती थी, कहीं कशिश को भी ये लगता होगा कि मैं दिग्विजय की भी फ्रेंड हूँ. व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? डेफिनेटली लगता है, डेफिनेटली. मतलब शुभि इज वन ऑफ दोज गर्ल्स हुज बीन विद मी थ्रू द टफ टाइम्स, सो आई विल डेफिनेटली गिव हर क्रेडिट फॉर दैट, एंड वी आर गुड फ्रेंड्स, एंड आई हैव सम अदर फ्रेंड्स एज वेल. बट यू नो फ्रेंडशिप डायनामिक्स चेंज एवरी वीक सिंस वी आर रियलिटी टीवी कंटेस्टेंट्स. हर हफ्ते एक नया एपिसोड आने से पहले कई सारे लोग मेरे दोस्त थे जो अब नहीं है. सो थिंग्स लाइक दैट चेंज. एंड जहाँ तक बात रही कि शुभी के लिए मुझे ऐसा लगता होगा, हाँ कभी कभी लगता है, ये मैं उनको बोलती भी हूँ कि कहाँ जा रहे हो, एंड शेड बी लाइक वहाँ जा रही, नॉट बी लाइक जाओ. बट मैं क्या कर सकती हूँ? आई मीन वी आर बोथ अडल्ट्स एंड आई कैन नॉट डिमांड ना कि तुम ऐसा करो. अगर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड होती कि मेरा वो हक है, तो शायद मैं डिमांड करती, बट वी आर नॉट देयर येट. तो मैं उस पोजिशन में नहीं हूँ कि मैं उनसे वो डिमांड कर सकूँ. सो जो है जैसा है ठीक है, दिस इज कॉल्ड एडल्टिंग. डू यू थिंक रुशाली ने शुभी के साथ सही किया? या मैं उस पर बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहूँगी. इट्स ऑल बीन डन एंड डस्टेड. डेफिनेटली जो हुआ गलत हुआ. अब मैं उसके लिए लाइफ टाइम प्रिजनमेंट तो नहीं दूंगी रुशाली को भी. डेफिनेटली गलत हुआ, बट देर ऑल अडल्ट्स, दिल डील विद इट, दिल अपोलोजाइज, दिल गेट ओवर इट. लेट्स नॉट मेक मोर इशूज, ऑलरेडी बहुत उनको दिक्कतें हो चुकी हैं. वेल लक्ष्य को और शुभी को साथ में लोग देखना चाहते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक कोई भी देखना चाहता है और ना ही उन्हें देखना चाहिए. एंड आई थिंक शुभी इज वेरी गुड द वे शी इज. वेल लास्टली अब जाते जाते ये बता दीजिए कि क्या कुछ है पाइपलाइन में, नहीं है, या आपके नए ब्लॉग में या लाइफ में कुछ देखने मिल सकता है लोगों को? सो देयर इज अ न्यू
gaming reality show that I've done, international project, you know. वो आने वाला है बहुत जल्दी. By the end of September आ जाएगा, I think. And उसके अलावा बातें चल रही है for 2-3 good Touchwood big projects. So let's see if that pans out. मैं ना नज़र में बहुत believe करती हूँ. Obviously, तो जब तक वो हो नहीं जाता, शूट नहीं हो जाता, रिलीज नहीं हो जाता, तब तक मैं कमेंट नहीं करूंगी. बट हाँ, कुछ चीजों की बातें चल रही है. वेल, लास्टली जाते जाते ये बताइए, जो आपको अमाउंट मिला है, नहीं मिला है, क्योंकि लाइव में कहा था, लाइव वीडियो में आपने कहा था कि आपको अमाउंट अभी तक का नहीं मिला. अभी कहाँ से मिलेगा? नहीं, उससे पहले इतनी सारी पनौती लग चुकी है. नहीं, पैसे तो मिलेंगे. अमाउंट का क्या करने वाली हो आप? यहाँ पर घर लेने वाली हो? क्या कुछ करने वाली? नहीं, 10 लाख में मुंबई में घर, क्या घर की बालकनी या बाथरूम भी नहीं मिलेगा. बट सबसे पहली चीज जो मैं करूँगी, जो हमेशा से मेरा प्लान है, कि फर्स्ट ऑफ तो मैं जाकर के अपने पेरेंट्स को दिखाऊंगी कि देखो मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं. हम पहले उस मोमेंट को सेवर करेंगे. मैंने नहीं देखा है उतना सारा सम एट वंस, तो मेरे लिए तो वो मोमेंट काफ़ी मेमोरेबल होगा. मैं पहले उसको सेवर करूंगी. उसके बाद कुछ मार्केट के लोन्स हैं हमारे ऊपर, मतलब पा मम्मी के ऊपर, तो मैं उनको क्लियर करूंगी. एंड एक टर्म की मेरे भाई के, नहीं भाई के पेमेंट मैं खुद से कर दूंगी. बट ये जो पैसे होंगे, इससे मैं पहले वो लोन क्लियर करूंगी, और जो रिमेनिंग पैसे होंगे उनको या मम्मी के नाम पे या पापा के नाम पे आई विल आइदर पुट इन फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर सम अदर सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. गाइस, जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए पैसा चूज किया यार. सेल्फिश हूं मैं, और मेरा सेल्फिश रीजन है. यू नो, इतना भी हेट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, या तो इतना भी हेट नहीं देना चाहिए था. आई बिलीव दैट. अब लोगों की मर्जी, उनको क्या बोल सकते हैं. आई डोंट केयर. मैंने जो किया सही किया, और मैं अपने लिए कर रही हूँ. एंड जब मैं अपने पेरेंट्स को वो खुशी दूंगी, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी. तो आई एम ओके. नहीं, अभी भी आप खुशी हो? हाँ हाँ, अरे फर्स्ट क्लास ना. भले ही ट्रोलिंग मिल रही है, नेगेटिविटी मिल रही है, हो गई, अब नहीं मिल रही है. इट्स ओवर. यस, डन एंड डस्टेड. वेल, लास्टली अब जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी थ्रू ऑल दिस थिक एंड थिन. तुम्हारा ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल था. एंड स्प्लिट्स मेरा खत्म हो गया है गाइज, बट आई एम स्टिल देयर. डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टा एंड माई यूट्यूब एंड कीप अपडेटेड विद एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन. ओके, एंड लव यू ऑल. बाय बाय. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. बाय.